कार्यक्रम की शुरुआत के लिए आदरणीय केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्रीय एजेंसियों का इस ढंग से दुरुपयोग कर रही है। अभी लोकसभा सत्र चल रहा है और हमारी सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और सांसद भी हैं, लोकसभा में भाग लेना नहीं देना चाह रही है और 21 तारीख को फिर से ईडी बुला रही है, तो उसके विरोध में हम प्रहर प्रदेश मुख्यालय में हम बृहद धरना दे रहे हैं और केंद्र सरकार को चेता रहे हैं कि आप जो गुरूर है, जो घमंड है, जिस ढंग से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं उसका दुरुपयोग बंद बंद करें, हमारी मांग है। छत्तीसगढ़ के लिए किस प्रकार की रणनीति बनी है प्रदर्शन की? देखिए, हम लोग लगातार मीटिंगों के माध्यम से मिशन 2023-2024 की तैयारियां चल रहे हैं, जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय पुनिया साहब का भी हम लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा, उस हिसाब से संगठन आगे काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए किस प्रकार की रणनीति है, कब तक प्रदर्शन करेंगे रायपुर में? देखिए, 9 अगस्त से हम लोग भारत जोड़ो अभियान के तहत हर विधानसभा में 75 किलोमीटर पदयात्रा चलेंगे, जिसमें आज़ादी के कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान है और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, सरकार की उपलब्धियों को भी लेकर हम पॉम्पलेट के माध्यम से, नुक्कड़ सभा के माध्यम से हम जनता को बताएंगे।